नमस्कार, मैं विनीता कुमार, आप मेरे साथ देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आज उत्तराखंड के चमोली में जो घटना घटी है, जिसमें 22 लोग करंट की चपेट में आ गए और उनमें से 16 जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। हमारे साथ उसी घटना के प्रत्यक्षदर्शी दीपक परसवान जी हमारे साथ मौजूद है। हम इस घटना के बारे में उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था वहां पर, कैसे ये दुखद घटना उत्तराखंड में घटी और कैसे हमने अपनों को खो दिया, किस कारण से ये सब कुछ हुआ। हमारे साथ दीपक जी हैं, वो बताएंगे। दीपक जी, पहाड़ टीवी पहले तो संवेदना व्यक्त करता है जिन जो लोग हमें छोड़कर चले गए, और बाकी हम घटना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे आज ये बहुत दुखद बात है कि किस प्रकार की एक साजिश बोलूंगा मैं इसको, एक षड्यंत्र बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि हम भी वहां से जो है कि मौत के मुंह से जो हम बस के आए हैं, ये भगवान अपने इष्ट देवता है, अपने चारों धाम है, उनकी कृपा है कि जो हम लोग जितने जिंदा हो पाए हैं, वो जो जिंदा बच पाए हैं। आज का जो ये मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह जैसे हम अपना जो रोजमर्रा की जिंदगी है, अपना उठना चलना, अपना काम नाम पे जो भी है, तो जैसे हमें फोन कॉल आए कि भाई कि फला फला जगह पर कल रात एक जो वहाँ पे हमारा जो हरमनी गाँव का एक लड़का है, गणेश जिसका नाम है, तो वहाँ पे जो ये नमामि गंगा काम कर रही है चमोली में, जो पुराना लोअर चमोली हमारा जो पुराना पुल है, तो वहाँ पे जो काम कर रहा था, तो वो कल रात वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई इसी जो नमामि गंगे जो परियोजना है चल रही है जो भी है, तो इस पे उसको करंट लगता है, तो अपने डिफेंस के चक्कर में वहाँ से बाहर आता है बचने के लिए। तो वहाँ पे एक तो ये कंपनी के द्वारा उसको न तो यूनिफॉर्म दे रखी है, न दस्ताने हैं, न बूट्स हैं, मतलब उसकी उसकी डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है, और इतनी काई वहाँ जमी हुई है कि उसमें छिपलन में वो गिर गया बेचारा, उसका पीछे खोपड़ा सीढ़ी में लग गया पूरा। हमने जब हम वहाँ थे सुबह, तो जब हम थे वहाँ सभी हमारे मित्रवर थे, प्रधान लोग थे वहाँ पे, टैक्सी मैन के लोग थे वहाँ पर, पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौके पर था, व्यापारी लोग वहाँ पर थे, तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं था, हर तबके का समाज वहाँ पर उपस्थित था। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं जो ये साजिश चली गई है, क्योंकि जब तक हम वहाँ गए, जब पुलिस प्रशासन इस प्रकार के पंचनामा की बात आई, तो हमने यही कहा भाई कि पंचनामा तभी करेंगे जब ये इनके माँ बाप यहाँ मुख दृश्य कर देंगे, देख लेंगे, प्रशासन आए, मैंने कहा वार्तालाप करे, और जो ये इस प्रकार की हमारे जो इससे पहले वहाँ दो लड़कों की इस प्रकार की हत्या ही बोलूंगा मैं इसको, हत्या हो गई है, ये तीसरी हत्या है वहाँ, तो ये हत्या पे हत्या हो रही है, आज इतनी हत्याएं हो गई है, आज तो 16 हत्या हो गई है। मतलब अगर आपके शब्दों में हम कहें तो हमने अपने 16 लोगों को आज खो दिया है। वो 16 लोग हमारे अपने परिवार के बीच में नहीं है, और जो 5 लोग हैं जिंदगी और मौत में एम्स में जो भर्ती हैं, वो जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं, गंभीर घायल हैं वो लोग भी। और कैसे, मतलब किस तरह की साजिश ये हुई है? देखिए, जितने भी जिन जिन के परिवार में इस प्रकार की एक हताश घटना हुई है, उन सबको मैं भगवान इष्ट परमात्माओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति दे, हिम्मत दे। और जो ये बात आई है, तो ये यही था कि भाई अब जो पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई होती है, तो वहाँ पे हमारे जो अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे कुलदीप रावत जी जो वहाँ पे प्रभारी थे, प्रदीप रावत जी, तो ये बहुत दुख की बात है। और वहाँ पे 2 दिन हमारे होमगार्ड चले गए, बरतवाल जी चले गए, और अभी भी यहाँ पे PRD के जवान आ रखे हैं, 2 प्रधान, एक मेरा दोस्त है पोल ग्राम पोल का, हरमनी का प्रधान है, वो मेरा मित्र मेरे बगल में खड़े था, मेरा मित्र रंगतोली का प्रधान जो वर्तमान प्रधान है, वो तक मतलब क्या बोलो मैं कि शब्द नहीं है। और जैसे भी हुआ ये, उस सुबह हम वहाँ गए तो सब ठीक ठाक था, लेकिन जो बीच में ये लाइट आई है, लाइट के सपने तो हुई नहीं है, तो इसमें बिजली विभाग की कमी देखी जा दिख रही है साफ साफ, और ये नमामि गंगे की कमी दिख रही है, और ये टोटल बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम भी मौत के मुंह से वहाँ अपने साथ कम से कम 30-35 लोगों को जिंदा लेकर के आए हैं, इनको वहां से रेफर करा करके भगवान की कृपा से, चलो आज सरकार ने जो भी बोला अच्छा बोला है, बड़ी से मेरी मुलाकात हो गई है, धामी जी चुपचाप मौन है, ये नहीं कि किस पे कैसी बात करनी है, किसको कितना मुआवजा देना है, इस पे धामी जी को सांप नहीं सूंघ रहा है ये, इसके लिए आगे बात करेंगे। पहले मैं ये दुआ करता हूँ कि उन दुखी परिवारों को भगवान हिम्मत दे, और जो ये बीमार अस्पताल एम्स में आए जिन पे चोट लगी है, इनका त्वरित इलाज हो, इसके लिए सरकार प्रशासन शासन से मैं सबसे गुहार लगाता हूँ, और आप जितने पत्रकार बंधु हैं आपका मैं सबका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और एम्स में जो हमारी जो ये एम्स जो वीर वीर एक बोलूंगा मैं कि सेवा वीर, यहाँ पे लड़कों के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है ये एम्स के अंतर्गत, इनके द्वारा इतनी अच्छी सेवा मिल रही है सभी को, जो जिसको भी जहाँ हमको मदद चाहिए, एक्सरे में ले जाना है, आपका भी बहुत बहुत
एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी, क्योंकि सबसे पहले करंट से एक मजदूर की मौत हुई थी, ये 22 लोगों की साथ जो ये घटना हुई बाद में हुई, क्योंकि जो प्रदीप रावत जी थे जो उप निरीक्षक बताए जा रहे हैं वो उसके पंचनामे के लिए वहां गए थे, ये 22 लोग भी उस मजदूर के पंचनामे के लिए गए थे, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग करंट की चपेट में आ गए? देखिए मेरा क्षेत्र वहीं का पड़ता है, मेरा गांव सैमनुंगरा है, और जो ये लड़का है इसका नाम गणेश है, इसका ये कल रात के जो ट्रेजरी हुई है, जब इस पे जो नमामि गंगे जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो ये कल रात ही एक्सपायर हो गया था। अच्छा। तो जब ये समाचार पूरे बाजार में कल लगे तो हमको भी फोन कॉल्स वगैरह सभी के आते हैं फोन कॉल्स कि भाई फला फला भाई कि यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं फिर यू के डिसेबल होम भी करता हूँ, फिर सोशल वर्क में मेरा अपना चलता रहता है, हम इस पे लगे रहते हैं, तो जैसे समाचार वहाँ प्राप्त हुए तो हम वहाँ पहुंचे, तो वहाँ पहुंचने के बाद हमारा ये था कि भाई लाइट वहाँ थी नहीं, कोई करंट कुरंट वहाँ समय नहीं था, तो जब हम वहाँ पहुंचे पुलिस वहाँ पहुंची, अमला जमला हम लोकल लोग तमाम प्रधान पीआरडी पुलिस सारे वहाँ पहुंचे, तो जब वहाँ पहुंचने के बाद जिस प्रकार से जो लाइट आई है दोबारा से जो ब्लास्ट वहाँ हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसमें अगर इन पे जो मुआवजे की बात है, मुझे तो कहीं ना कहीं शक लग रहा है कि भाई एक मिनट दीपक जी, मैं रोकना चाहूंगी मैं आपको, तो ये पहले जब रात को वो मजदूर एक्सपायर हुआ, उसकी मृत्यु हुई करंट लगने से, उसके बाद बिजली बंद कर दी गई थी, और दोबारा जब दिन के टाइम पर बिजली को स्टार्ट किया गया या बिजली दोबारा से चलाई गई, तो ये ब्लास्ट हुआ और उसके कारण इतने लोग उसकी चपेट में आ गए, ऐसा ही कुछ था? जो नमामि गंगे का जो लड़का वहाँ अंदर काम कर रहा था, तो वो ये क्लियर करना चाह रहा था कि वो लड़का यहाँ कल रात ड्यूटी पर नहीं था। अच्छा। ये यहाँ तो मैंने कहा भाई ये अपना गांव इसका हरमनी है, ये ड्यूटी पर मतलब यार रात को सोने तो आएगा नहीं, हो या किसी ने इसको मार मुर के यहाँ रखा तो है नहीं ना, तो ये अपने सफाई देने के चक्कर में उसे कुछ बातें हुई, मैंने कहा भाई ये भाई तेरा नहीं सबका भाई है, अगर तेरे भाई के साथ ऐसा होगा तभी हम ऐसी बात करेंगे। तो यूपीसीएल ने जो रात को मृत्यु हुई थी गणेश जिसका नाम आप बता रहे हैं, उसी की यूपीसीएल की लापरवाही से रात को एक मृत्यु हुई गणेश की। उसके बाद यूपीसीएल ने उस पर संज्ञान नहीं लिया और ये जो 22 लोग हैं ये घटना अगर नहीं होती, अगर उस पर संज्ञान ले लिया जाता उस पर लापरवाही नहीं बरती जाती, उस जो मृत्यु हुई थी उस समय पर अगर उसको गंभीरता से लिया जाता तो ये जो 22 लोग जो हमारे 15 लोग मृत्यु के काल में समा गए, ग्रास बन गए मृत्यु का, वो सब नहीं हुआ होता अगर यूपीसीएल की लापरवाही नहीं होती। ये इन दोनों की लापरवाही है, यूपीसीएल और नमामि गंगे की, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि हम भी वहीं अंदर थे, हमारे द्वारा भी समाज के बहुत काम किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम सबको आज वहीं जला करके राख करने की इनकी योजना था, इस पे जांच बैठेगी, हम आगे बात करेंगे। सीएम साहब ने तो मजिस्ट्रेट जांच की ऑर्डर कर दिए हैं, जांच बैठा दी गई है, जाहिर सी बात है जो दोषी है उन पे कार्रवाई की जाएगी, उत्तराखंड जो शासन है पूरी तरह से इसको लेकर के गंभीर है, संज्ञान लिया गया है इस घटना का और जांच भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने बहुत पास से उसको देखा है, आप मौत के बीच से निकल करके आए हैं और यहाँ पर घायलों के साथ में हैं, उनकी हर परिस्थिति को देख रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उनकी एक परिवार की तरह आप उन घायलों के साथ खड़े हुए हैं दीपक जी, तो आपसे जानना चाहेंगे उस दुखद घटना को आपने अपनी आंखों से देखा है, किस तरह का वो माहौल था, किस तरह की वहाँ चीख पुकार मची हुई थी, किस तरह लोगों को बचाया गया, कुछ इसके बारे में? देखिए जब हम पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा था, अपने पंचनामे की बात करी थी, जो ये कल रात जो वहाँ पे ट्रेजरी हुई थी गणेश नाम को गणेश लड़के की, तो इसके भी घर वक्त इसके पिताजी चले गए, इसका भाई चला गया, मतलब इतना है कि बहुत बड़ा जो हुआ है, बहुत बड़ी ट्रेजरी हुई है ये, और एक के बचाने के चक्कर में 16-17 हो गए हैं, हम भी उन्हीं में से, और भी हमारे साथ और भी युवा साथी थे टैक्सी यूनियन के तमाम जो लोग हैं, मतलब तो ये बोल रहा हूँ मैं कि जैसे इनके जो संबंधित लोग हैं वो वहाँ पे रो रहे थे तो हमें भी रोना आया, तो मैं रोने के लिए थोड़ा गेट पर बाहर आया तो मेरे साथ साथ कुछ लोग भी मेरे साथ आ गए, क्योंकि मेरे पास ये उसके जो पोस्टमार्टम के लिए प्लास्टिक होता है, रस्सी होती है, और ये तमाम जो भी सामान था तो मेरे पास ही था, तो मैं वो जो बर्तवाल जी हमारे रोपा गाँव के हैं उन्होंने बोला कि बर्तवाल जी अपने पास रखो, जब आप लाए तो अपने पास रखो, मुझे मत सौंपो, अब क्या पता समय उतना होगा वो वहीं रुके रहे, और मैं जैसे इधर रोने के लिए आया, आंसू बहाने के लिए आया, तो जब मैं वहां आया तो इतने में ही उन्होंने मुझे कॉल करा कि बोला भाई आप जल्दी आओ, ये मैंने कहा ठीक है मैं आ गया, मैंने कहा तुरंत ही, जैसे कदम उस तरफ रखे अब उनको लाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आगे बनाने के लिए, तब तक वहां ब्लास्ट हो गया, और इतना ब्लास्ट हुआ कि किसी ने नदी में छलांग मार दी, कोई वहीं उछलने लगे, लोग तड़पने लगे वहां, मतलब ये तड़प तड़प के लोग आज मरे हुए हैं, तो इस पे जो ये कि दो कमियां देखी गई हैं,
हम तो उसी तड़प करके आज बाहर आए हैं। वो गेट को हमने लात मार मार के, घूसे मार मार के खोला, जब करंट लगा तो उसके बाद रस्सी का सहारा लिया। पुलिस सभी हम लोग देख रहे थे, तमाम लोगों ने वीडियो बना रखी है। और ये रस्सी अगर वो हाथ नहीं होती, उसी की रस्सी ने हमको बचाया है जो गणेश चला गया है। और ये गणेश को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम उसी रस्सी से आत्महत्या भी कर देंगे, ये हमारा आपको वचन है। बिल्कुल दीपक जी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आंखें नम है, बहुत भावुक हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने अपने कहीं ना कहीं लोगों को तड़पते हुए देखा है उस करंट से, जिस और वो अपने उन लोगों को बचा नहीं पाए। 17 लोग जो बताए जा रहे हैं मृत्यु हो चुकी है इस घटना में, और 5 लोग ऋषिकेश एम्स में भर्ती हैं जिनका उपचार चल रहा है, जिनसे मिलने अभी कुछ देर पहले ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना और उनको हर तरह की मदद की उन्होंने भरोसा भी दिलाया है और पूरी तरह से एम्स उनके उपचार में लगा हुआ है। उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग चले गए उनके प्रति पहाड़ टीवी की श्रद्धांजलि है, और जो लोग बचे हुए हैं ईश्वर उनको जल्द स्वस्थ करे। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए मैं विनीता कुमार।